शाहजहांपुर में स्कूल चलो अभियान के साथ बालिका बचाओ अभियान का भी शुभारंभ किया गया। गांधी हॉल में हुई कार्यक्रम में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्कूल प्रबंधकों के बीच समन्वय बनाया गया, जिसके चलते प्रबंधकों और टीचरों के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ साथ बालिका सुरक्षा के सुझाव भी दिए गए। इसके अलावा स्कूल में टीचरों को भी सम्मानित किया गया। शाहजहांपुर में लगातार हो रही शिक्षा की गिरावट को देखते हुए डीएम अमृत त्रिपाठी ने स्कूल चलो अभियान के तहत बालिका बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इसी के चलते स्कूल प्रबंधकों के साथ भी समस्याओं को लेकर तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया। सड़क सुरक्षा नियम के अलावा स्कूल के बच्चों को पर्यावरण, जल संरक्षण और तालाब नदियों के किनारे वृक्षारोपण से भी जोड़ा गया, जिसके चलते एसपी ने प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी रखे। हम लोगों ने आज सभी स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और महिलाओं को यहाँ बुला करके सरकार की सभी स्कीम्स के बारे में बताया है और साथ में पूरा महीने भर का एक कार्यक्रम जो हमारा प्रोग्राम है उनसे अवगत कराया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन और वन महोत्सव से भी स्कूलों को जोड़ा है। सेशन शुरू हो रहा है, इस संबंध में डीएम साहब और मेरे द्वारा सभी स्कूल प्रबंधकों को और प्रधानाचार्यों का साथ मीटिंग किया गया है और शासन के निर्देशन में एक पूरा महीने, जुलाई महीना एक अभियान चलेगा जिसमें बच्चियों का सुरक्षा और महिलाओं का सुरक्षा के संबंध में अवेयरनेस दिया जाएगा। यही नहीं, स्कूल में चल रही गाड़ियों पर भी इस बार नए नियम लागू किए गए हैं। गैस से चलने वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही ओवरक्राउड बच्चों को बसें नहीं ले जा सकेंगी। साथ ही इन गाड़ियों में मेडिकल की सुविधाएं और फर्स्ट एड, आग से बचाव जैसी तमाम तकनीकी चीजों को भी शामिल किया गया है। युवाओं से अनुरोध किया गया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते से पहले यह स्वस्थ हो लें कि वो वाहन का ड्राइवर जिसके पास डीएल मौजूद हो, वाहन सीटिंग क्षमता से ज़्यादा न बैठाए, तीसरा एलपीजी लगाना हो, ये चीज़ें अस्वस्थ हो जाएं अभिभावक, तभी बच्चों को वाहन में भेजें। संवाद 365 के लिए शाहजहांपुर से रमाशंकर दीक्षित की रिपोर्ट।